हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू हेल्पिंग आई टीवी। फ्रेंड्स, अगर आप माँ बनने की तैयारी कर रही हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आप अपना ख्याल बखूबी रखें ताकि गर्भ में पल रहे शिशु का अच्छे से विकास हो सके, क्योंकि गर्भावस्था के पहले महीने से लेकर 9वें महीने के दौरान महिलाओं को कई मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए यदि आप स्वस्थ प्रेगनेंसी चाहती हैं तो इसके लिए आप इन प्रेगनेंसी टिप्स को ज़रूर ध्यान दें। हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, अगर आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहती हैं तो इसके लिए आपको इन दो बातों का ध्यान रखना होगा, एक तो स्वस्थ खानपान और दूसरा अपने लाइफस्टाइल में बदलाव। इसलिए प्रेगनेंसी टिप्स से संबंधित कुछ बातें मैं आपको बताने वाली हूँ जिनको आप गर्भावस्था के दौरान फॉलो करके एक हेल्दी प्रेगनेंसी पा सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लाइफस्टाइल में बदलाव। वह महिलाएं जो गर्भवती हैं उन्हें अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करना चाहिए ताकि आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकें। इसके लिए आप विटामिन का प्रयोग महिलाएं तब से शुरू कर सकती हैं जब आप गर्भ धारण करने की सोच रही हैं, क्योंकि आपके बच्चे की तंत्रिका न्यूरल कोड जो कि बाद में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी बनती है वह गर्भावस्था के पहले महीने के भीतर ही विकसित होती है। ऐसे में यह बेहद ज़रूरी है कि आपको शुरू से ही आवश्यक पोषक तत्व मिले, जैसे फॉलिक एसिड, कैल्शियम, लोहा आदि के रूप में। एक्सरसाइज। गर्भावस्था के दौरान महिलाएं खुद को एक्टिव और फिट रखने के लिए रोज़ाना एक्सरसाइज कर सकती हैं। हालांकि इसकी शुरुआत आप अपने गर्भावस्था के तीसरे महीने के बाद से भी कर सकती हैं, क्योंकि इससे आप न केवल अपना वजन नियंत्रण रख सकती हैं बल्कि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन, बेहतर मूड और अच्छी नींद में भी मदद मिलेगी। इसके लिए आप प्लेट्स, योगा, स्विमिंग और वॉकिंग कर सकती हैं, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें। अपने वजन का ट्रैक रखें। इस समय आप एक साथ दो लोगों के लिए खाते हैं जिससे कि आपका वजन बढ़ना लाजमी है, खास करके गर्भावस्था के 5वें से 8वें महीने में आपका वजन अचानक से बढ़ता है। हालांकि इस दौरान आप अधिक वजन को बढ़ने से रोकें, क्योंकि यह आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है, खासकर जन्म के समय बच्चे का कम वजन या विकास संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ब्रेकफास्ट करना ना भूलें। सुबह का नाश्ता गर्भवती महिलाएं भूलकर भी स्किप ना करें। ऐसे में आप पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें जिसमें विटामिन और आयरन की मात्रा मौजूद हो। अगर महिलाएं गर्भावस्था के 7वें महीने से बहुत अधिक बीमार महसूस कर रही हैं तो इसके लिए आप साबुत व्हीट टोस्ट का सेवन कर सकती हैं। फाइबर युक्त आहार को शामिल करें। गर्भावस्था के पहले से लेकर 9वें महीने तक महिलाएं अपने आहार में फाइबर युक्त भोजन को जरूर शामिल करें। हालांकि गर्भावस्था के 8वें महीने से आप विभिन्न सब्जियों और फलों का चुनाव कर सकती हैं, जैसे कि गाजर, पका हुआ अनाज, केला, तरबूज आदि के रूप में। इसके अलावा आप सेम, साबुत अनाज या फिर ब्राउन राइस को भी अपने आहार में शामिल कर सकती हैं। हेल्दी स्नैक को शामिल करें। फल के साथ कम वसा या वसा रहित दही, साबुत अनाज के साथ वसा रहित या कम वसा वाले पनीर का सेवन करें। हर दिन आयरन और फॉलिक एसिड युक्त विटामिन लें। गर्भावस्था में सावधानियां। गर्भावस्था के दौरान इन चीज़ों से सावधान रहें, जैसे कच्चा मांस, कच्चे अंडे आदि चीज़ों को खाने से दूर रहें, क्योंकि इसके बैक्टीरिया आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कॉफ़ी का अधिक मात्रा में सेवन ना करें। शराब या धूम्रपान का सेवन भूलकर भी ना करें, क्योंकि यह आपके भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही प्रेगनेंसी और बच्चों से जुड़ी छोटी से छोटी हर समस्या के समाधान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।